ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम gallus.in। बारमेर राजस्थान में एक MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। एयरफोर्स ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण ये क्रैश हुआ, पायलट सुरक्षित है। CISF के ASI सोमनाथ सिंह को उनके डिपार्टमेंट ने पुरस्कृत किया है। उन्होंने सलमान खान को मुंबई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन के लिए रोक लिया था, जिसके लिए सोशल मीडिया पे उनकी काफी वाहवाही हुई। राजस्थान में पंचायत चुनाव आज से शुरू होगा। ये चुनाव 3 चरणों में होगा। मतगणना 4 सितंबर को होगा। इंडियन क्रिकेट टीम मात्र 78 रनों पे सिमट गए। इंडिया VS इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच में केंद्रीय सरकार ने गन्ने की कीमत बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है, जिससे फैमिली पेंशन आप 30,000 से 35,000 तक हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ईज 4.0 का उद्घाटन किया। उन्होंने ईज 3.0 में आए बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स को भी पुरस्कृत किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स का पुरस्कार जीता। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने हेल्दी प्रॉफिट्स दिया है और काफी तकनीकी सुधार किए हैं। इन बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020 में 31,817 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। ईज 4.0 में बैंकों से कहा गया है कि लोन्स को स्मूथ बनाए, 24 घंटे बैंकिंग सेवा देने का प्रावधान करे और बाकी बैंकिंग सिस्टम्स के साथ कोलैबोरेट करे। भारत सरकार ने AIIHL को 15,000 करोड़ की FDI के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एयरपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान के लोग केवल e-vissa के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। गुरुग्राम में टैक्स धोखाधड़ी के मामले में 2 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। DGGI गुरुग्राम ने पहले भी 176 करोड़ के इनकम टैक्स रिटर्न घोटाले का भंडाफोड़ किया था।